गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास है। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, ये तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, जो तीसरा क्लास है इसका। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा कम्पिटेटिव क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बातें हैं क्वेश्चन पे। वॉकिंग एट द 3/4 ऑफ हिज यूजुअल पेस, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट, फाइंड आउट हिज यूजुअल टाइम। देखिए, क्वेश्चन का दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड जो होगा प्रोसेस से बनेगा और दूसरा मेथड जो आपका शॉर्ट मेथड से होगा। देखिएगा, पहला मेथड क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ हिज यूजुअल पेस। तो मान लेते हैं पहले से स्पीड, ओरिजिनल स्पीड मानिए 1 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल स्पीड कितना हो गया, 3/4 हो गया यूजुअल पेस। पहले से जो स्पीड था उसका 3/4, मतलब 3x/4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया, 20 मिनट लेट हुआ। डिस्टेंस भी मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें आप डिस्टेंस कुछ ही मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 1 किलोमीटर मान लिए। अब बताइएगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, स्पीड इतना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/x। डिस्टेंस 1 है, स्पीड इतना है, टाइम क्या हो जाएगा, 1/3x/4। ये दोनों टाइम का अंतर कितना है, 20 मिनट। ये मिनट में था, आवर में चेंज करने के लिए /60। यहाँ से हो जाएगा 4/3x-1/x=1/3। सोल्व करते हैं, 1/x कॉमन ले लिए, आ जाएगा 1/3=1/3। एक्स इक्वल टू आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है फाइंड आउट हिज यूजुअल टाइम, पहले वो टाइम कितना लेता था। पहले स्पीड कितना था, 1 किलोमीटर पर आवर। एक्स का वैल्यू कितना गया, 1, मतलब पहले से जो स्पीड था वो था 1 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हम कितना चलाए थे, 1 किलोमीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 आवर। टाइम कितना ले लेगा, 1 आवर। ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड देखिए क्या कह रहा है। 3/4 ऑफ इज यूजुअल स्पेस, कहने का मतलब पहले से स्पीड आपका 4 था, अब बाद में स्पीड हो गया 3। ये आपका हो गया इनिशियल स्पीड, शुरुआत में जो स्पीड था 4, ये आपका हो गया फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड। ठीक है, अब बताइएगा टाइम का रेशियो क्या होगा। स्पीड का जो रेशियो होता है इसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो बताएगा, मतलब टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। अब यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब यही टाइम का अंतर जो है कितना बता रहा है, 20 मिनट, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपका है 20 मिनट। तो बताइएगा 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, यूजुअल टाइम मतलब पहले से जो टाइम था क्या था, तो यही कर हम किसका वैल्यू निकाले, 3 का। तो पहले से जो टाइम लेता वो कितना था, 60 मिनट, मतलब 1 आवर। ठीक है, ये आपका शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मोहन इज 6 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। चलिए पहले इसे आप लोग खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए, अब इसके शॉर्ट मेथड से अब हम बताएंगे क्वेश्चन, लॉन्ग मेथड देख लिया आप लोग, शॉर्ट मेथड में ही देखिए। अब क्या है, स्पीड जो है वो 4/5 है, ये आपका जो है वो इनिशियल स्पीड है। जो शुरुआत में स्पीड आपका 5 था और बाद में स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड 4 हो गया, ये स्पीड का रेशियो है। तो बताइएगा टाइम का रेशियो क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो, मतलब 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम का कितना अंतर हो गया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट आपका कितना मिनट शो कर रहा है, 6 मिनट।
तो पूछ रहा है मैं यूजुअल टाइम, मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल टाइम पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट का वैल्यू, 24 मिनट्स। मतलब पहले जो टाइम लेता था वो अब हो गया 24 मिनट। अब पूछेगा फाइनल टाइम, बाद में समय अब कितना लेगा, तो 6 × 5 30 मिनट्स। इसे लॉन्ग मेथड में देखिए, इस तरह से बनाएंगे। पहले से स्पीड मान लीजिए कितना था एक्स, ये इनिशियल स्पीड हो गया। फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, 4/5 है, 4x/5। डिस्टेंस मान लिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो ये जो टाइम है 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ये स्पीड है, टाइम क्या हो जाएगा 1/4x/5। इसमें आपका टाइम ज़्यादा ले रहा था, इसमें टाइम कम लेगा, माइनस 1/x = टाइम का अंतर है 6/10, सॉरी 6/60, आवर में चेंज कर दिया। क्या हो जाएगा 5/4x माइनस 1/x = 1/10। 1/x कॉमन लीजिए, 1/4 = 1/10, x = कितना हो जाएगा 10/4 आ जाएगा। एक्स उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, इतना क्या आ गया आवर, इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। अब पूछ रहा है क्या, टाइम पूछ रहा है, चला कितना था 1 किलोमीटर, स्पीड कितना आ गया 10/4, 10/4, तो टाइम कितना हो गया 4/10 आवर। मिनट में चेंज करेंगे, 4/10 × 60 = 24 मिनट आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन रनिंग 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स, हाउ मच टाइम वुड कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन रन्स एट इट्स ऑन स्पीड। देखिए कह रहा है कि अपना स्पीड सर 7/11 कर लिया, तो उसे समय लगा 22 आवर का। तो पूछ रहा है जब वो अपना स्पीड में चल रहा था तो समय कितना लगेगा। देखिए पहले से स्पीड मान लीजिए कितना था एक्स किलोमीटर पर आवर, पहले लॉन्ग मेथड में उसके बाद शॉर्ट मेथड। अब उसका जो फाइनल स्पीड हुआ कितना हो गया 7x/11 किलोमीटर पर आवर। अब बताइएगा ये जो स्पीड का आपका रेशियो है, स्पीड का रेशियो, मैं तो आप इस तरह से देख लीजिए, देखिएगा। तो पूछ रहा है टाइम, तो ये जो पहले क्या था, अ ट्रेन रनिंग 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच अ प्लेस इन 22 आवर्स, मतलब जब ये स्पीड से चला तो उसे समय कितना लगा 22 आवर्स का समय लगा। तो डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 7x/11 × 22, ये डिस्टेंस हो गया। यही डिस्टेंस जो है वो चला एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मान लेते टी टाइम में क्या क्या कवर कर लिया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, t = कितना हो गया 14 आवर्स, टाइम कितना लेगा 14 घंटा। अब देखिए शॉर्ट मेथड में सीखना चाहते हैं तो देखिए जो स्पीड का रेशियो है वो 11/7/11 है, मतलब ये आपका इनिशियल स्पीड था, ये आपका फाइनल स्पीड हुआ, फाइनल स्पीड। तो बताइएगा जो टाइम का रेशियो होगा या स्पीड का, तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेसिप्रोकल 11:7, 11 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 22 आवर्स, क्योंकि वो जब स्पीड कम गया तो 22 आवर्स लग रहा था, मतलब फाइनल टाइम जो है यही कितना 22 आवर्स। 1 यूनिट का वैल्यू दो तो 7 यूनिट का वैल्यू 14 आवर्स, मतलब जो पहले से जो समय लग रहा था वो 14 घंटा था, अब बाद का समय 22 घंटा था, ठीक है। ये मेथड से आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ये देख लीजिए इस तरह से हम इसे सोल्व किए हैं। देखिएगा डिस्टेंस ये मान लिए थे, ठीक है, स्पीड पहले माने थे कि एक्स किलोमीटर पर आवर से था, टाइम लिया टी, टी मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लिया। अब स्पीड हो गया 7x/11 किलोमीटर पर आवर, टाइम लिया कितना 22 आवर टाइम दिया हुआ है,
यही डिस्टेंस हमने कवर किया, मतलब ये जो दूरी होगा वही दूरी ये भी आएगा, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो आंसर आ गया था 14 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 आवर मोर देन सुरेश। इफ अमित डबल हिज स्पीड देन ही कुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश, फाइंड द स्पीड ऑफ द अमित। इसे भी 2 मेथड से देखिए क्या था। पहले तो मान लेते डिस्टेंस कुछ था, ये आपका डिस्टेंस था कितना, 30 किलोमीटर दिया हुआ है। अमित जो है 2 घंटा कम लेता है किससे, सुरेश से। ये अमित, ये आपका सुरेश, ठीक है। अमित जो है पहले से इसका स्पीड x था और इसका स्पीड मानिए y था। अमित ये टाइम t लेता था, ये टाइम कितना ले रहा है अब, अमित टेक्स 2 आवर मोर। अच्छा ये t+2, तो सुरेश लेता था टाइम t। इफ अमित डबल इज स्पीड, अब अमित जो है अपना स्पीड को डबल कर लिया, मतलब अपना स्पीड को 2x कर लिया, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन सुरेश, सुरेश से 1 घंटा कम लिया, यही ना। तो पूछ रहा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द अमित, तो अमित का स्पीड क्या होगा। देखिएगा टोटल चलना था कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक्स एक्स के स्पीड से, ठीक है। यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, 30 किलोमीटर चलना था 2x के स्पीड से, यहाँ से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब यही दोनों टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 3 आवर्स का आ जाएगा। डिफरेंस कितना आवर का हो जाएगा, 3 घंटा का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, 30/x, यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, 30/2x, और दोनों टाइम का अंतर कितना है, 3 आवर्स। 30/x कॉमन लीजिए, 1 - हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू इक्वल टू 3, 3 से 10 5, मतलब x इक्वल टू आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो आपका मीट का स्पीड था वो था 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड में देखिए, देखिएगा इन कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 आवर मोर देन सुरेश, सुरेश से 2 घंटा ज्यादा लिया कौन, अमित, कितना दूरी चलने में, 30 किलोमीटर। ये आपका सुरेश था, ये आपका अमित है, ठीक है। अगर सुरेश टाइम टी लिया तो अमित टाइम कितना ले रहा है, t+2। कब ये स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर के से चल रहा था, तब टाइम कितना लिया, t+2, सुरेश से 2 घंटा ज़्यादा। जब अमित अपना स्पीड को डबल कर लिया, मतलब अब अपना स्पीड को कर लिया 2x, तो टाइम लिया 1 घंटा कम किससे, सुरेश से, टाइम ले लिया t-1, यही ना। तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द अमित, अमित का स्पीड क्या है, डिस्टेंस है स्पीड है टाइम कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस है स्पीड है टाइम कैलकुलेट होगा, यही दोनों टाइम का जो अंतर है वो कितना घंटा का हो जाएगा, 3 आवर्स का हो जाएगा। ऐसे नहीं आता समझ, तो इस तरह समझिए कि सुरेश अगर आपका 12 बजे पहुंच रहा था तो अमित कितना बजे पहुंच रहा था, 2 बजे, 2 PM में। जब अपना स्पीड को डबल किया तो अमित कितना बजे पहुंच रहा था, इससे 1 घंटा का, मतलब 11 बजे, 11 AM में। दोनों टाइम के अंतर कितना हो गया है, 3 आवर का आ गया, ठीक है। तो अब टाइम का डिफरेंस निकालते हैं, बराबर 3 कर देंगे, तो यहाँ से जो टाइम आएगा 30/x, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माइनस 30/2x इक्वल टू 3, यही ना। यहाँ सोल्व करते हैं, 30/x कॉमन, हाफ इक्वल टू 3, x इक्वल टू आ गया 5 किलोमीटर बराबर,
जो अमित का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर। शॉर्ट मेथड में भी देख लीजिए, देखिएगा देखिएगा शॉर्ट मेथड स्पीड क्या क्या डबल कर लिया। पहले से उसका इनिशियल स्पीड ये आपका फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड 1 था, फाइनल स्पीड क्या था? 2, डबल कर लिया। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका रेसिप्रोक होगा, पहले टाइम लेता था 2, अब टाइम ले रहा है 1, यही ना। अब दोनों टाइम का जो अंतर डिफरेंस है कितना घंटा का है? 1 यूनिट का है डिफरेंस, 1 यूनिट का है। अब ये 1 यूनिट कितना आवर शो कर रहा है? पहले 2 घंटा ज़्यादा, बाद में 1 घंटा कम, मतलब 2 और 1 3 घंटा का अंतर हो गया। 1 यूनिट 3 आवर शो कर रहा है, तो पहले जो टाइम लेता था वो कितना टाइम लेता था? 6 आवर। अब बाद में जो टाइम लेना शुरू किया वो कितना टाइम? 3 आवर्स। तो कितना किलोमीटर चलना था? 30 किलोमीटर। और ये आपका टाइम कितना है? 6 आवर। स्पीड क्या हो जाएगा? 30/6, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कार्स आर रनिंग अलोंग द सेम रोड। द फर्स्ट वन विच इज रनिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट 6 आवर अहेड ऑफ द सेकेंड वन। विच इज रनिंग एट द 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ लॉन्ग विल द सेकेंड कार कैच द सेकेंड फर्स्ट वन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इधर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स ऑफ 50 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 50 किलोमीटर कर रहा है ना, कि 50 किलोमीटर पर आवर वाला जो कार है वो सेकेंड फर्स्ट कार को कितना समय बाद कैच कर लेगा। ठीक है, फर्स्ट कार को कितना समय बाद कैच कर लेगा, मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ 50 किलोमीटर, सॉरी सेकेंड कार कैच द फर्स्ट वन, इस तरह से क्वेश्चन है। देखिएगा कह रहा है क्या, टू कार्स आर रनिंग अलोंग द सेम रोड। द फर्स्ट वन विच इज रनिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर बराबर स्टार्ट 6 आवर अहेड ऑफ द सेकेंड वन। मतलब यहाँ से चलने के लिए यहाँ से दो कार है। पहला कार जो है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कार जो है उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पहला कार जो है 6 घंटा पहले चला किससे? दूसरा वाला कार से। पहला कार जो 6 घंटा पहले चला, तो पूछ रहा है कितना समय के बाद सेकेंड कार जो है फर्स्ट कार को ओवरटेक कर लेगा। तो पहले तो लॉन्ग मीटर से देखेंगे, मान लेते हैं टी टाइम के बाद, टाइम लिया कितना? टी टी टाइम के बाद सेकेंड कार जो है फर्स्ट कार को ओवरटेक कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाते जाते ओवरटेक कर लिया, मतलब सेकेंड कार फर्स्ट कार को कैच कर लिया। तो जब सेकेंड कार आपका समय टी लिया, तो फर्स्ट कार 6 घंटा पहले चला था, ये टाइम कितना ले लेगा? टी प्लस 6 हो जाएगा, इतना आवर्स, ये इतना आवर्स। डिस्टेंस तो दोनों इक्वल ही चलेगा, यहाँ से यहाँ पे जाकर ओवरटेक किया तो इसका भी दूरी और इसका दूरी दोनों तो बराबर ही होगा, तो डिस्टेंस को क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 50 × t, यहाँ से डिस्टेंस आपका आ जाएगा 30 × t+6 हो जाएगा, आ गया 20 t इक्वल टू 30 × 6, मतलब 180 t इक्वल टू 9 आवर्स। मतलब जो समय लगेगा सेकेंड कार को फर्स्ट कार में कैच करने के लिए वो कितना घंटा लगेगा? 9 घंटा लगेगा। ठीक है, ये आपका तो लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड देख लीजिए, देखिएगा पहला कार का जो स्पीड था वो 30 किलोमीटर पर आवर था, दूसरा कार का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब 50/30, मतलब 5/3। ये जो टाइम का डिफरेंस है
टाइम का डिफरेंस कितना यूनिट का? 2 यूनिट का। 2 यूनिट आपका कितना आवर शो कर रहा था? 6 घंटा पहले चला पहला वाला कार, मतलब 6 घंटा का अंतर है 6 आवर का। तो 1 यूनिट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 आवर का। तो पूछ रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर वाला जो है वो कितना समय बाद कैच करेगा, मतलब इसका वैल्यू खोजना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 9 आवर। 9 घंटा के बाद क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। ठीक है, अगर जो इसके लिए निकालेगा तो ये फर्स्ट का कितना चला? 15 घंटा चला, 15 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन द कार। देखो कार का जो पहले लॉन्ग मेथड, कार का जो स्पीड है मान लीजिए कि एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन का स्पीड कितना है? 20% फास्टर है, मतलब क्या हो जाएगा? 120% इसका हो जाएगा, मतलब 6x/5 है, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन का स्पीड। बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच द पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। मतलब कार और ट्रेन दोनों एक ही समय में स्टार्ट करता है होती है और दोनों जो है सेम टाइम में क्या क्या होता है, पहुंच जाता है दूसरा पॉइंट बी पे। मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट किया कार भी और ट्रेन भी, दोनों पॉइंट बी पे पहुंचा सेम टाइम, जो दूरी कितना है? 75 किलोमीटर। इसका स्पीड एक्स है किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड आपका है 6x/5 किलोमीटर पर आवर। ऑन द वे इवर हाउ इवर द ट्रेन लॉस्ट 12.5 मिनट्स बाय स्टॉपिंग एट द स्टेशन। लेकिन ट्रेन जो है बीच में स्टेशन पे क्या हुआ था, रुके थे वो कितना मिनट? 12.5 मिनट्स। मतलब दोनों का टाइम का जो अंतर है वो टाइम का अंतर कितना है, टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12.5 मिनट्स हो जाएगा दिया हुआ है। डिस्टेंस है कितना? 75, स्पीड एक्स लिया, डिस्टेंस 75, स्पीड 6x/5 है, दोनों से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों टाइम का डिफरेंस 12.5 है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए 75/x माइनस 75/6x/5 इक्वल टू, दोनों टाइम का अंतर 12.5 मिनट, आवर में चेंज करते हैं, अपॉन 60। यहाँ से 75 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 5/6x इक्वल टू 125, 12.5 अपॉन 60। क्या आ जाएगा यहाँ से? 75, 1/6x इक्वल टू 12.5 अपॉन 60, 610 बार में पॉइंट से 0, 25, 25 चौके 5 से 15 बार में एक्स इक्वल टू आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार का स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन का स्पीड होगा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 12 पचास 60, 12 छक्के 72, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका तो लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड से देख लीजिए इसे, देखिएगा बीस परसेंट फास्टर है कौन? ट्रेन का स्पीड किससे? कार से। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एट द सेम टाइम रीच द पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। मतलब दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे पहुंचा सेम टाइम पे। मतलब ये कार और ये ट्रेन, कार का जो स्पीड है ट्रेन का स्पीड से 20% क्या है? ज़्यादा है, सॉरी, ट्रेन का स्पीड 20% ज़्यादा है किससे? कार का स्पीड से। कार का स्पीड अगर जो 100 है तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा? 120। मतलब ये 5, ये 6, ठीक है, दोनों का बीच का दूरी कितना है? 75 किलोमीटर। और दोनों एक ही समय पे पॉइंट बी के पास पहुंच जाती है,
लेकिन ट्रेन जो है 12.5 मिनट जो है स्टेशन के पास रुक रुक कर समय लॉस की, और तो पूछ रहा है कार का स्पीड क्या होगा, यही ना। देखो ये जो आपका स्पीड का रेशियो है कितना है, 5/6, मतलब ये आपका कार का था स्पीड का रेशियो, ये आपका था ट्रेन का, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/5। कितना यूनिट का डिफरेंस हो गया, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू आपका दिया 12.5 मिनट, यही दोनों का डिफरेंस दिया 12.5 मिनट, तो बताइएगा 5 यूनिट का वैल्यू क्या, किसका पूछ रहा है, कार का स्पीड, तो निकालिए कार के लिए। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 12.5 मतलब 75 मिनट। कार जो है कितना समय लेगी, 75 मिनट लेगी यहाँ से वहाँ तक जाने में। पूछ रहा है स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 75, समय 75 मिनट बटा 60 मतलब 60 किलोमीटर बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स, बट इफ दे ट्रेवल इन ईच अदर मीट इन 1 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। देखो ये दो पॉइंट है ए और बी, ये दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस 70 किलोमीटर है। दो कार चलती है अगर सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, तो 7 घंटा के बाद दोनों एक दूसरे को कैच करती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 1 घंटा के बाद एक दूसरे को कैच करती है, सेम डायरेक्शन में चलना शुरू की और एक अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं इसका स्पीड x किलोमीटर बराबर था, इसका स्पीड बाई किलोमीटर बराबर, इसका स्पीड x किलोमीटर बराबर, इसका स्पीड बाई किलोमीटर बराबर, यही था। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, दोनों घट जाएगी, x-5 बाई हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा, x+बाई हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो आपका रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 70, लिख दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था ये था x+बाई, x+बाई, डिस्टेंस 70, समय कितना लिया 1 घंटा, मतलब x+बाई का वैल्यू 70। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो x-बाई, डिस्टेंस 70, समय कितना लिया 7 घंटा, हो गया 70/7 मतलब 10। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 40, y का वैल्यू आ जाएगा 30, हो गया सॉल्व। इसका शॉर्ट मेथड, इससे शॉर्ट कुछ नहीं होगा, ये आपका इतना सही सॉल्यूशन होगा, जब आप लोग पूरा सीख जाइएगा तो इतना शॉर्ट में ही बनना शुरू हो जाएगा। देखिए विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एंड विथ स्टॉपेज इट कवर द सेम डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर द ट्रेन स्टॉप्स। देखिएगा इसे भी दो मिनट से सीखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही चलना था, मान लिया अगर वो कहीं पे नहीं रुकती है ट्रेन, तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो रुक रुक कर चलती है तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, यही ना। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक आवर कितना मिनट वो रुकी। ये दोनों आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर वो नहीं रुकती है तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर। अगर वो रुक रुक कर चलती है तो 1 घंटा में कितना चलती है, 60 किलोमीटर, यही ना। तो पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक आवर कितने मिनट वो रुकी, तो 1 घंटा में जो ट्रेन चलती है आपका 80 किलोमीटर, वही ट्रेन अब चल रही कितना, 60 किलोमीटर, मतलब 20
किलोमीटर में जो समय लगेगा उतना समय वो क्या कर रही है, ट्रेन रुक रही है। उसका एक्चुअल में जो समय स्पीड है वो कितना है, 80। लेकिन वो जो 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस हो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस हुआ, मतलब उतना समय वो क्या की है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर जो चलने के था वो 20 किलोमीटर क्या की है, रुकी है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर, ये आपका इतना किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस है, ये आपका क्या है स्पीड। टाइम निकल जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 20/80 × 60 आ जाएगा, 4 मतलब आ जाएगा 15 किलोमीटर, 15 मिनट। 15 मिनट क्या किया है, रुकी है वो ट्रेन। ठीक है, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, देखिएगा। जो आपका स्पीड का रेशियो है कितना, 80/60 है, यही ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 60/80, इसका रेसिप्रोकल कट करते हैं 20 से 3 बार में, 20 से 4 बार में। ये दोनों जो टाइम का अंतर आया कितना आवर का आया, कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का। मान लेते हैं कि 1 घंटा का अंतर आया, कितना घंटा का अंतर आया, 1 घंटा का आया। ठीक है, तो पूछ रहे क्या, कितना बार जो ट्रेन किया है रुकी है। तो 60 के स्पीड से चल रही थी तभी ना पूछ रहा है कि कितना बार वो रुकी है। तो कितना घंटा चली है, जब 60 के स्पीड से चल रही थी ट्रेन तो कितना घंटा चली, 4 घंटा चली। ठीक है, और दोनों टाइम का अंतर आपका कितना है, 60 मिनट का है। तो प्रत्येक आवर कितना रुकेगी पर आवर, तो 60/4 मतलब 15 मिनट। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे, देखिएगा। शॉर्ट मेथड में, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 36 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। जो आपका स्पीड का रेशियो है कितना है, 45/36। जो स्पीड का रेशियो था उसका रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो होगा, 36/45। 9 से 4 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, मतलब जो टाइम का जो डिफरेंस आया वो 1 आवर का आ गया, मतलब 60 मिनट का। जब 36 का स्पीड से चल रहा था तो ट्रेन चल रही है कितना कितना घंटा, 5 घंटा। तो पूछ रहा है क्या, पर आवर कितना देर वो रुकी, मतलब 5 घंटा चलने के लिए वो 60 मिनट क्या की है, रुकी है। ठीक है, ऐसे वो रियल में जो समय लगता है उसे कितना मिनट लगता है, कितना आवर लगता है, 4 आवर। लेकिन वो जब रुक रुक के चली तो उसे समय कितना लगा, 5 आवर। तो टोटल कितना मिनट का अंतर हो गया, 60 मिनट का। तो पूछ रहा है प्रत्येक आवर कितना मिनट रुकी, तो 60/5 = 12 मिनट्स, प्रत्येक आवर जो है 12 मिनट ट्रेन रुकी है। आप इसे दूसरा मेथड से भी देख लीजिए, देखिएगा। ये आपका डिस्टेंस मान लेते हैं, जब एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज मतलब नहीं रुकती थी तो स्पीड क्या था, 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो 45 किलोमीटर ट्रेन चलती थी, यही है। तो मान लेते हैं कि ये आपका डिस्टेंस जो है टोटल 45 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इंक्लूडिंग स्टॉपेज की है तो उसका स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर है, मतलब अब जो ट्रेन जो है 1 घंटा में टोटल 36 किलोमीटर ही चल पा रही है, यही ना। ठीक है, तो बताइए कितना किलोमीटर का हमें डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस हो गया कितना का, 9 किलोमीटर का। मतलब 9 किलोमीटर जो में जो समय लगेगा रियल में चलने के लिए उतना ही देर ट्रेन क्या की है, रुकी है। 9 किलोमीटर वो अपना स्पीड से चलती, 9 किलोमीटर चलने में उससे जो समय लगता उतना ही समय ना वो रुकी है ट्रेन, तब ने एवरेज निकाले तो 36 किलोमीटर बराबर हुआ। तो पूछ रहा है क्या टाइम, तो कितना किलोमीटर के लिए, 9 किलोमीटर के लिए।
पहले से स्पीड कितना, तो उससे 45, कितना आवर हो जाएगा 1/5, मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 मतलब 12 मिनट्स हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए पहले खुद। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस 54 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट वुड बी 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज ए बस स्टॉप पर आवर। अब इसे एकदम शॉर्ट मेथड में देख लीजिए, अब उतना लंबा नहीं चलना है, शॉर्ट मेथड। दोनों टाइम का डिफरेंस, सॉरी दोनों स्पीड का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्पीड ठीक है, अपॉन ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड पर मिनट पूछता है तो इनटू 60। स्पीड का डिफरेंस हो गया 9, ओरिजिनल स्पीड था 54 इनटू 60, 9 6 जा मतलब 10 मिनट क्या किया वो रुकी है ट्रेन, हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड हो गया आपका, लॉन्ग मेथड भी सीख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिलिस्ट गोज फ्रॉम मुंबई टू पुणे अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो मुंबई से पुणे गया, मुंबई से पुणे ठीक है, कितना का स्पीड से 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, टोटल डिस्टेंस कितना 192 किलोमीटर। यहाँ से इसे कितना समय लगेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, कितना जाएगा 6 आवर। अनदर मैन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई बाई कार, एक दूसरा आदमी जो है मुंबई से चला बाई कार, इतना आवर्स आफ्टर द फर्स्ट, मतलब 5/2 आवर बाद में चला ठीक है। ये अगर जो 6 बजे चली है, मान लेते हैं 6 बजे चली, तो ये चली कितना बजे, 8:30 में। ये अगर जो 6 आवर के बाद पहुँचे मतलब 12 बजे पहुँची, तो ये पहुँचती है रिचेज पुणे 1/2 आवर एलियर, मतलब ये पहुँचे 11:30 पे। तो बताइएगा ये टोटल टाइम कितना लिए यहाँ से यहाँ तक चलने में, 3 आवर्स का हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस चलना था कितना 192, स्पीड क्या हो जाएगा 192/3 मतलब 64 किलोमीटर पर आवर। रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो निकालना है, 32/64 आ जाएगा कितना 1:2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट द सर्टेन स्पीड ठीक है, डिस्टेंस मान लिए डी है, स्पीड मान लिए एस है। इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस का हाफ d/2 हो गया, इज कवर्ड द डबल द टाइम, टाइम क्या ले रहे डबल, तो पूछ रहे रेशियो ऑफ द स्पीड, इस तरह से इसे बनाइए। देखिए स्पीड का रेशियो पूछ रहा है ना, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट द सर्टेन स्पीड, डिस्टेंस मान लिए डी है। इफ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड डबल द टाइम, टाइम का डबल में डिस्टेंस कवर्ड हो गया, स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, तो मान लेते हैं पहले से टाइम टी लेता था, स्पीड हो गया आपका d/t। अब हाफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का आधा हुआ d/2, इज कवर डबल द टाइम, टाइम को दुगना 2/t मतलब आ गया ये आपका d/4t। अब ये स्पीड आ गया, पहले से स्पीड ये था, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू स्पीड, दोनों स्पीड का रेशियो, तो d/t/d/4t यही ना, तो क्या हो जाएगा d/t इंटू में जाएगा 4t/d मतलब 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश ट्रेवल
760 किलोमीटर टू हिज होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार, ठीक है। ही टेक्स 8 आवर्स। इफ ही ट्रेवल 160 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय कार, ही टेक्स 12 मिनट्स मोर। इफ ही ट्रेवल 280 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार रिस्पेक्टिवली। देखिएगा, टोटल डिस्टेंस आपका 760 किलोमीटर है, कितना है 760 किलोमीटर। अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कार से, मतलब 600 किलोमीटर कार से, ट्रेन से और कार से, तब तो उसे टाइम जो लगता है वो कितना लगता है, 8 घंटा लगता है। मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड, पहले लॉन्ग मेथड में उसके बाद शॉर्ट मेथड में सीखेंगे। ट्रेन का स्पीड मान लिया है कि x किलोमीटर पर आवर है और कार का स्पीड मान लिया है 2 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे टाइम क्या लेगा, तो 160/x प्लस यहाँ पे टाइम क्या लेगा, 600/2। यही दोनों टाइम का अंतर कि ये कुल समय कितना दिया हुआ, ही टेक्स 8 आवर, जोड़ कितना दिया हुआ 8 आवर, कब, जब 160 किलोमीटर ट्रेन से चला और बचा हुआ दूरी कार से चला तब। दूसरा क्या कह रहा है, ही टेक्स 12 मिनट्स मोर, अब इससे भी 12 मिनट ज़्यादा लेता है, कब, जब वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बचा हुआ दूरी कार से चलता है तब। मतलब 240 ट्रेन से चला, समय इतना, बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा 520, स्पीड बाई 12 मिनट ज़्यादा, मतलब 8 होल 12/5, मतलब 8 होल 1/5 हो जाएगा। अच्छा, 12 मिनट का फ्रैक्शन में कीजिए आवर में, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ से 1/x = u और 1/y = v, ठीक है। तो ये 60 × 1/x हो जाएगा, 160 × 1/x, तो क्या हो जाएगा, 160 u प्लस 600 v = 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 240 u प्लस 520 v = 41/5, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक को कट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 से करते हैं, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी 2 से, क्या हो जाएगा, 480 u प्लस 1200 v = 24। यहाँ पे आ गया 480 u प्लस 1240 v = 82/5। अब इसे सबट्रैक्ट करते हैं, कट हो गया, यहाँ से 160 v = आ जाएगा कितना, 120 - 82, तो मतलब हो जाएगा आपका 38/5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से v = आ गया आपका 38/5 × 160, तो v = क्या था, 1/y, तो y = क्या हो जाएगा, 5 × 160/38। सर फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 × 3 = 18 हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 760, 760 सॉरी, 19 से 2 टाइम्स 19 से 40 2 से 20, मतलब बाइक का वैल्यू आ गया आपका 100 किलोमीटर बराबर। बाइक क्या माने थे, कार, कार का जो स्पीड आ गया वो 100 किलोमीटर बराबर। तो अब ट्रेन का स्पीड निकालना है, बाइक का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, 100, 6 आ जाएगा, 2 आ गया, मतलब 80 किलोमीटर बराबर ट्रेन का स्पीड हो गया, ठीक है। ये आपका लॉन्ग मेथड है, ऐसे शॉर्ट मेथड में सीखते हैं, देखिएगा। सात सौ साठ किलोमीटर चलना था,
ट्रेन से चला, कार से चला, 8 घंटा लिया कब, जब 160 किलोमीटर ट्रेन से चला, बचा हुआ दूरी कार से चला, तब 160 किलोमीटर ट्रेन से चला, ट्रेन लिख दिए, यहाँ पे कार लिख दिए, टोटल चलना था कितना, 760 किलोमीटर, तो समय कितना लिया, 8 घंटा, ठीक है। तो कार से कितना चला, 600 किलोमीटर, यही हुआ। ही टेक 12 मिनट्स मोर इफ ही ट्रेवल 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अब कह रहा है कि 240 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, बचा हुआ दूरी 520, तो 8 घंटे 12 मिनट ज़्यादा लिया, ठीक है, तो मतलब 8 घंटा 12 मिनट, यही ना। अब देखिए इसमें करते क्या है, अब देखिएगा, 160 किलोमीटर है, ये आपका 600 किलोमीटर है, समय लिया 8 घंटा। अब ये 240 किलोमीटर, मतलब जब हम यहाँ से 80 किलोमीटर ज़्यादा चले तब 240 किलोमीटर पहुँचा, यहाँ पे हम 80 किलोमीटर कम किए हैं तो 520 किलोमीटर हुआ, और यहाँ पे 12 मिनट ज़्यादा लगा था, 12 मिनट ज़्यादा लगा, ठीक है, तब हुआ 8 घंटा 12 मिनट, 8 आवर 12 मिनट्स, यही ना। अब हम करते हैं, यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है कि ये जो आपका वैल्यू है, ये 160 को हमें बनाना है कितना, 760, कितना बनाना है, 760, ठीक है। तो 760 बनाने के लिए हमें इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा ये बताइए, तो ये यहाँ पे कितना आपका 80 है, हमें 600 और बढ़ाना है, 600, तो 600 बढ़ाने के लिए तो 600/80 करना होगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करने से करना होगा, 4 से 2, 4 से 15, मतलब 15/2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15/2 से इसमें भी करते हैं, 15/2 से इसमें भी करते हैं, 15/2 से, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 40, आ जाएगा आपका 760 किलोमीटर, यहाँ पे आपका आ गया 0, समय कितना लगा, इतना ज़्यादा लगा, मतलब 12 मिनट पहले भी, अब 15/2, ठीक है, तो आ गया आपका 6, मतलब 90 मिनट ज़्यादा लगा, समय कितना लग गया, 9 घंटा 30 मिनट, यही ना। तो पूछ रहा क्या, स्पीड इतना किलोमीटर चलने में इतना समय लगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 760, ये आपका आ गया 1/2, मतलब 18/1, 19 × 2, 80 किलोमीटर बराबर। नहीं आया समझ में, तो चलिए इसे फिर से समझते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था क्या, 760 किलोमीटर चलना था, कार से चला, ट्रेन से चला, 8 घंटा का भी है, जब 160 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, बचा हुआ दूरी कार से चला, तो यहाँ पे लिख दिए हम ट्रेन, यहाँ पे लिख दिए कार, यहाँ पे लिख दिए टाइम, 160 किलोमीटर ट्रेन से, बचा हुआ दूरी 600, समय लिया 8 घंटा। अब कह रहा है क्या, 12 मिनट ज़्यादा लेता है कब, जब 240 किलोमीटर ट्रेन से चला, अब 240 किलोमीटर ट्रेन से चला, मतलब 80 किलोमीटर ज़्यादा चला ट्रेन से, ठीक है, तब ना 240 हुआ, 240, और बचा हुआ दूरी कार से चला, तो बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा, 520, 520, मतलब 80 किलोमीटर कम चला कार से, तब जो समय जो उसे 12 मिनट ज़्यादा लगा, ठीक है, मतलब लग गया समय उसे 8 घंटा 12 मिनट। हमें क्या करना है, या तो ट्रेन को या तो कार को टोटल दूरी ये जो है आपका 760 बना दो, कितना, 760। तो अगर ट्रेन अगे या कार को, यहाँ पे हमें बनाने देना है कितना, 760 किलोमीटर। तो देखिएगा 80 किलोमीटर ज़्यादा चलाए थे तो 12 मिनट ज़्यादा लगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बढ़ाना है कितना, 600 किलोमीटर, अगर 600 किलोमीटर बढ़ गया इससे तो 760 पहुँच जाएगा, 160 + 600 760 हो जाएगा,
तो ऐसे में और हम कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 600 मिल जाना चाहिए, तो करेंगे क्या, 600 बटा 80, 0 0 कैंसिल, 4 से 15 बार में, 4 से 2 बार में, मतलब इसमें 15 बटा अगर 200 मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम कितना से करेंगे, 15 बटा 2 से, इसमें भी हम कितना करेंगे, 15 बटा 2 से, ये भी 600 हो गया, 600 माइनस 600 जीरो आ गया ये, ठीक है, ये 600 बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, अभी ये 760 हो गया, 160 प्लस 600 760। अब ये जो है आपका 600 माइनस 600 0 किलोमीटर, मतलब टोटल 160 किलोमीटर ट्रेन से चला, तो 8 घंटा पहले से लग रहा था, अब इतना मिनट और ज़्यादा लगा, मतलब 90 मिनट, मतलब अब लगा उसे 9 घंटा 30 मिनट। फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 9/2 आवर, इतना किलोमीटर टाइम निकल जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, 760/19/2, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। जो आपका ट्रेन का स्पीड आ गया वो आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड है, तो ट्रेन से चलने में स्पीड टाइम कितना लगा, 2 आवर, ठीक है, तो कार से चलने में कितना लगा, 6 आवर, तो कार का स्पीड क्या हो जाएगा, 600/6 मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, उसमें भी सीख लेंगे। देखिएगा सुरेश ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार, इट टेक्स हिम 8 आवर्स। इफ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, इट टेक्स हिम 20 मिनट्स मोर। इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। देखिएगा ट्रेन, यहाँ पे हो गया कार, यहाँ पे हो गया टाइम। 600 किलोमीटर चलना था, पहले तो वो 120 किलोमीटर ट्रेन से चला, तो कार से कितना चलेगा, 480 किलोमीटर, समय कितना लिए, 8 घंटा। अब एक सौ क्या करे, 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है कब, जब 200 किलोमीटर ट्रेन से चला, ट्रेन से 200 किलोमीटर चला, तो बचा हुआ दूरी कार से चलेगा कितना, 400 किलोमीटर, समय लगेगा 20 मिनट ज़्यादा, 8 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 80 किलोमीटर ज़्यादा चलाएं ट्रेन से तब 200 किलोमीटर चला, माइनस 80 किलोमीटर कम चलाएं कार से तब 400 किलोमीटर चला, तो समय इससे लगा 20 मिनट ज़्यादा, 20 मिनट ज़्यादा। हमें क्या करना है, ये जो आपका वैल्यू है 120, 120 को बना देना कितना, 600, 120 को 600 बना देना है, तो टोटल जो ट्रेन का डिस्टेंस अभी 120 था, हमें इसे लाना कितना, 600, तो 80 में ये प्लस 80 था, तो हम इसमें और कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि हमें 480 मिल जाना चाहिए, कितना, 480, तब ना 480 प्लस 120 600 हो जाएगा, इंटू 6 से करते हैं, 8 6 48, 480 प्लस 120 600 किलोमीटर चल जाएगा ट्रेन से, यहाँ पे इंटू 6 से किए तो 480 माइनस 480 0 किलोमीटर कार से चलेगा, यहाँ पर हम इंटू 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मतलब इतना मिनट ज़्यादा लगेगा कब, जब 480 किलोमीटर और ट्रेन से चलेगा, तो इतना मिनट क्या होगा, और ज़्यादा लगेगा। तब देखिए तो टोटल अब चला ही कितना, 600 किलोमीटर ट्रेन से, ये 480 प्लस 120 600 किलोमीटर ट्रेन से चला, 480 में 480 0 किलोमीटर कार से चला, 8 घंटा प्लस 120 मिनट, मतलब तब उसे लगा 10 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, 600/10 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, किसका, ट्रेन का, तो ट्रेन का स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताइएगा टाइम कितना लेगा, यहाँ पे 60/120 तो हो गया 2 घंटा, इससे टोटल समय लग रहा था 8 घंटा, तो इससे जो है अब कितना घंटा चलेगा कार से, 6 घंटा, तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा स्पीड इसका, एक 480/6 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक। इसी तरह से जितना भी शॉर्ट मेथड हो सकता है सारा शॉर्ट मेथड सीखेंगे और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, इसमें सारा आपका कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है,
देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कितना छोटा में समझ भी जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।